आज मुख्यमंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, ये दूसरी बैठक थी और आगे भी संभवतः और बैठक होगी। उसी में एक मुख्यमंत्री जो शामिल हुए वो थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं भूपेश बघेल जी। बघेल जी, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल का वीडियो कनेक्शन टूट गया है, अब से थोड़ी देर में हम उनके पास वापस जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चलिए ये बता देते हैं कि आज जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की, नगमा जी, उसमें क्या हुआ? मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की है और प्रधानमंत्री ने कोरोना से जुड़ी हुई जो अपनी जो रणनीति है उसके बारे में बातचीत की है। राज्यों का कोरोना के खिलाफ मिलकर जो काम है वो अच्छा है, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री ने कि सराहनीय है ये पूरा काम। भूपेश बघेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, भूपेश बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया में। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से किस तरीके से लड़ रहे हैं आप? भूपेश जी, आपको आवाज आ रही है? मैं संकेत उपाध्याय बोल रहा हूं। भूपेश बघेल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भूपेश जी, मैं संकेत बोल रहा हूं। जी नमस्कार, मैं आपसे यह पूछना चाहता था भूपेश जी कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो प्रारंभिक तैयारी है उसको हमने फरवरी से शुरू कर दिया था और उसके बाद मार्च के प्रथम सप्ताह में ही सारी मीटिंग हमने कर ली थी और 13 मार्च को सारे स्कूल है, कॉलेज है, आंगनबाड़ी है, मॉल है, ताकीज है, मंत्रालय तक हमने बंद कर दिया था और लोगों से लगातार अपील करते रहे और उसके कारण से कोई यहाँ परेशानी नहीं हुई। औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योग बंद हो रहे थे वहाँ उद्योगपतियों से बात करके जो जो श्रमिक थे उनकी व्यवस्था, वहीं रहने खाने पीने की व्यवस्था हम लोगों ने कराई और इस कारण से बड़ी संख्या में जो लोग पलायन कर रहे थे उसे उससे बचा जा सका। तो एक तरफ वो किए और दूसरी तरफ जो व्यवस्था हमने की वो जहाँ सब्जी बराबर लोगों पहुँचे पहुँचते रहे, दूध लोगों तक पहुँचते रहे, अनाज है वो लोगों को उपलब्ध होता रहे, ये व्यवस्था हमने की और छत्तीसगढ़ में 65 लाख परिवार जहाँ निवास करते हैं सबको, उसमें से 56 लाख परिवार जो बीपीएल कार्डधारी है उनको हमने मुफ्त में 70 किलो चावल 2 महीने का देने का फैसला किया और वो वितरण का कार्य लगातार जारी है। मध्यान्ह भोजन भी जो स्कूल में देते हैं वो सूखा अनाज का पैकेट बना के उनके पालकों तक के दे रहे हैं। रेडी टू ईट जो बच्चों के हैं और जो कुपोषित बच्चे हैं और एनीमिक महिलाएं हैं उसको भी सूखा राशन उनके घरों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस कारण से जो सामान की उपलब्धता है वो बराबर बनी हुई है। ये बात सही है कि लोग अपने घरों में बंद हैं और परेशानी तो हो रही है लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ के लोग सहयोग कर रहे हैं और समाज सेवी संगठन है वो लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेश के यहाँ हैं वो हमारे मेहमान हैं और उसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कैंपों के माध्यम से उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था हमने की है। हमारे एक जिले से दूसरे जिला गए जो मजदूर हैं उनकी भी व्यवस्था हमने की है। साथ ही ऐसे परिवार जिसके पास कोई राशन कार्ड वगैरह नहीं है उनके लिए भी गर्म भोजन हमारे सामाजिक संगठन बना रहे हैं, उसको घर तक पहुंचाने का काम, सूखा राशन पहुंचाने का काम, ये सब काम कर रहे हैं और पूरा जो प्रशासन है वो लगा हुआ है। निरंतर सभी विभाग के अमले हैं, अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस कारण से हमारे यहाँ जो COVID-19 के जो मरीज हैं अभी तक के 9 लोग ही उसमें पॉजिटिव मिला है जिसमें से 3 हैं वो उसको रिलीव कर दिया गया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
जी, प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों से अलग अलग राज्यों के बातचीत की है, प्रधानमंत्री ने बहुत सराहना की है भूपेश बघेल जी के राज्य का जो काम है वो काफी सराहनीय है, लेकिन ये जो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हुई, उससे एक दूसरे से भी काफी राज्यों को समझ में आया होगा कहां क्या कमी है, कहां क्या सबक आप ले सकते हैं दूसरे राज्यों से। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या जो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी आ रही है, छत्तीसगढ़ के बारे में ये जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में, दूरदराज इलाकों में केंद्रीय लेवल पे सरकार ने अब ऑर्डर किए हैं बहुत इस तरह की जो प्रोटेक्टिव सूट्स वगैरह हैं, उसकी कमी कैसी है, डॉक्टरों को किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समय रहते ही हम लोगों ने कदम उठाए, उसका हमको सुपरनाम मिला। जितने भी विदेश यात्रा किए थे उनको होम आइसोलेशन में रखे, और उसकी संख्या 51,000 है, जो ऐसे परिवार हैं जो हो सकता है संभावित हो, जो विदेश यात्रा किए हैं उनको होम क्वारंटाइन में रखें। गवर्नमेंट की तरफ से भी था और उनको सचेत कर दिए, तो सब लोग सहयोग किए। दूसरा, ये बात नहीं है कि जो डॉक्टर है, नर्स है, स्टाफ है, जो काम कर रहे हैं उसके लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन ये काम अभी हमारे यहाँ केवल एम्स में चल रहा है, और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में एक मरीज है, एक बिलासपुर में है, तो इस प्रकार से संख्या हमारे यहाँ बहुत अधिक नहीं होने के कारण से ये स्थिति निर्मित नहीं हुई कि डॉक्टरों का क्या होगा। लेकिन एक बात है कि जो जिसके पूरे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं केवल उसी की जांच हो रही है, इस तरह से आंकड़े भी कम ही है। भूपेश जी, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूं, देखिए बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार से जाते हैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई, अलग अलग शहरों में काम करने, गुजरात में अलग अलग जगह काम करने। आपने वो तस्वीरें तो देखी होंगी किस तरीके से लाखों लाख लोग रातों रात सड़क पर आ गए और पैदल पलायन कर रहे थे। इन तस्वीरों को देख करके मैं बतौर मुख्यमंत्री आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रणनीति बनानी चाहिए थी? देखिए, लॉकडाउन उस मामले में तो फेल हो चुका। आपने लॉकडाउन किया और दिल्ली देश की राजधानी है, वहीं की सड़कों में लाखों लोग यदि उतर आए तो फिर लॉकडाउन आपका पूरी तरह से फेल है। हमने जो किया वो क्रमशः सबको विश्वास में लेते हुए, यदि दिल्ली के उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, जिसके यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, यदि केवल उन्हीं को विश्वास में ले लेते और उनको उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए अपील कर देते या वहीं शासन व्यवस्था कर देती, तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो ये जो अफरा तफरी मची है वो एक तो लोगों को विश्वास में नहीं लेना, मुख्यमंत्रियों को विश्वास में नहीं लेना, और दूसरा जनता को विश्वास में नहीं लेना है। वही काम हम लोग छत्तीसगढ़ में किए, एक एक वर्ग से बात करते हुए एक एक काम को स्टेप बाय स्टेप हम लोग निर्णय लेते रहे, और इसके कारण से हमें कोई अधिक परेशानी नहीं हुई। दूसरे राज्य से जो मजदूर या रांची से कोई सहडोल जा रहे हैं या फिर उड़ीसा से राजस्थान जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम रोके हैं, सीमा में हमारे लोग रुके हुए हैं। उसका कारण यही है कि ये पूरे देश में यदि एक निर्णय में एक रूपता होती तो ये परेशानी नहीं हुई होती। हमने छत्तीसगढ़ में जितने भी फैसले लिए, सारे कलेक्टर्स को, सारे जनप्रतिनिधियों को सब में विश्वास लेते हुए कदम उठाए, तो हमारे राज्य में सभी जिलों में जो फैसले हुए, जो कदम उठाए गए, तो उसमें एक रूपता थी। चाहे दंतेवाड़ा जिला हो, चाहे हमारे बलरामपुर जिला हो, ये एक ही जैसे हमारे फैसले हुए, उसके कारण से पूरे छत्तीसगढ़ के सारे फैसले में एक रूपता रही और लोगों का सहयोग भी मिला।
जी, प्रधानमंत्री ने जब बात की तो उन्होंने निजामुद्दीन मरकज से बड़े कोरोना संक्रमित पर राज्यों ने कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया, और हम जानते हैं कि मरकज से निकलकर अलग अलग राज्यों में लोग गए हैं, छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे, लेकिन अच्छी बात है, पर बहुत सारे जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और बहुत सारे राज्यों में गए, यूपी में गए हैं। महामारी से निपटने में धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों की मदद ली जाए, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। यहां पे जिस निजामुद्दीन में जो एकजुट थी इतनी भीड़, वहां पे क्या किस तरह की चूक रही कि ये भीड़ जमा रही, क्या मानेंगे आप, किस गैर जिम्मेदारी थी मरकज वालों की तरफ से, प्रशासन की भी चूक रही? देखिए, एक तरफ तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ भी अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, आज रामनवमी है, मैं तो देश के लोगों को बधाई दूंगा। तो इसके पहले नवरात्रि में जितने भी मंदिर हैं वहाँ हमारे यहाँ जोत जलाया जाता है, उन सबसे प्रशासन ने बात की, विश्वास मिल गया, एक एक जोत जला के ही जो लोग जोत जलाते थे हजारों की संख्या में, वो उनको समझाइश दी गई, जो मंदिर ट्रस्ट हैं उनके उनसे भी बात की गई, तो ये स्थिति निर्मित नहीं हुई। यदि दिल्ली में इस प्रकार से सामाजिक कोई गतिविधि संचालित हो रही थी तो दिल्ली प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को उसके उस संज्ञान में लेना था, उनसे बात कर ले, यदि ये बात करते तो शायद स्थिति निर्मित नहीं होती। दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे ये सब घटना घटी, दिल्ली सरकार के नाक के नीचे घटना घटी और इसकी जानकारी लोगों को नहीं हुई, ये बहुत बड़ी चूक है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ भी वहां से लगभग 101 लोग आए हैं, जिसको हम लोग जिसमें 32 से क्वारंटाइन में रखे हैं और 69 जो लोग हैं उसे होम आइसोलेशन में हैं। भूपेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज जैसे प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई और अलग अलग मुख्यमंत्रियों की भी हुई अपने अपने राज्य के बारे में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस तरीके का समन्वय, कैसा कोऑपरेशन केंद्र और राज्यों के बीच में इस कोरोना की लड़ाई के चलते होना चाहिए? देखिए, कोरोना की लड़ाई का हम सबको लड़ना पड़ेगा कि ये पूरे न केवल देश के बल्कि दुनिया के मानवता की लड़ाई है और हम सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने भी बात कही है, जो एडवाइजरी भारत सरकार ने समय समय पे लिया, हम तो उसके पहले ही कदम उठा लिए थे, उसके पूरा 100% हम लोगों ने पालन किया है। अब जो स्थिति आ रही है वो आर्थिक मामले हैं। पहली बात तो ये है कि जितने किट्स हैं भारत सरकार को उपलब्ध कराना है, जो पीपीई है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराना है, और इसमें निश्चित रूप से सभी राज्यों ने कहा है कि ये जो किट्स है वो कमी सब लोग महसूस कर रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, जो आर्थिक पैकेज देने की बात है, अब जो मजदूर हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, जो मनरेगा मजदूर है, जो खेतिहर मजदूर है, शहर में जो रेहड़ी और खोमचे लगाने वाले लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, इन सबके सामने अब जीविकोपार्जन की समस्या आने वाली है। ऐसे समय में भारत सरकार से ही उम्मीद है कि वो राज्य सरकारों को आर्थिक मदद दे, लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री जी अभी कुछ नहीं बोले हैं। हो सकता है भविष्य में इस मामले में कोई निर्णय लें और राज्यों को आर्थिक पैकेज दें। आपने आपने ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली भूपेश बघेल जी, कि आर्थिक पैकेज या आर्थिक मदद की जरूरत हो। मुझे याद है मैंने जब आपका पिछली बार एक इंटरव्यू किया था वहां रायपुर में, उसमें आपने ये जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य है, आप बता रहे थे, जो कि इस मंदी के दौर में भी मंदी की चपेट में उस तरीके से नहीं आया है और उभरने की राह दिखा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब मंदी की चपेट में पूरा देश या यूं कह लीजिए पूरा विश्व होगा इस कोरोना के युद्ध को लड़ते लड़ते, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जाए? आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सारे उद्योगों के पहिए थम चुके हैं, बहुत जो जरूरी फर्नेस को चलाना है या बॉयलर चलाना है वही भर उसको संचालित कर रहे हैं कोई भी उद्योगपति, और बचत जो उद्योगों के पहिए थम चुके हैं, व्यवसाय भी सारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद है, और ऐसे स्थिति में आर्थिक तंगी होना लाजमी है और इस समय आवश्यकता है लोगों के जेब में पैसा डालने की। जब तक के ग्राहक के जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक के न व्यवसाय चल पाएगा न उद्योग चल पाएगा। अभी जो हम लोगों ने शुरुआत की है
जो गरीब लोग हैं उसको 70 किलो चावल दे रहे हैं ताकि अब उसके परिवार चलाने में उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दूसरी बात है कि मनरेगा में भी हम लोग काम शुरू किए हैं। हालांकि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभावशाली यदि कहीं कार्रवाई हुई है और अनुशासन यदि कहीं दिखाई देता है तो हमारे छत्तीसगढ़ के गांव दिखाई देता है, दूसरे राज्यों में भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे छत्तीसगढ़ में ही है, दूसरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो लॉकडाउन को सत सत पालन कर रहे हैं। गांव में न किसी को घुसने दे रहे हैं, न गांव के लोगों को बाहर जाने दे रहे हैं। उस सड़कों में या तो कांटा बिछा दिए हैं या खंभे गाड़ दिए हैं या बैनर टांग दिए हैं, लेकिन आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंध है। गांव के लोगों को काम करने के लिए भी अभी वो हिचक रहे हैं, चाहे वो सब्जी तोड़ने के लिए है चाहे मनरेगा में काम करने के लिए। तो ये काम हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, किसानों को हमने इस साल बजट में अभी 5100 करोड़ रुपया रखा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की हमने बात कही थी और भारत सरकार ने कहा कि समर्थन मूल्य से आप अधिक नहीं दे सकेंगे, तो एक दूसरी योजना के माध्यम से हम किसानों को लाभान्वित करेंगे। उसके वो करीब लगभग 20 लाख किसान हैं, उनके खाते में यदि पैसे जाते हैं तो आखिर वो मार्केट में आएगा और मार्केट जब सामान की बिक्री होगी तो निश्चित रूप से उद्योग के पहिए घूमेंगे। तो आवश्यक पूरे देश में और दुनिया में यही है कि लोगों की क्रय शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोरोना के कारण से सबके जो क्रय शक्ति है उसमें कमी आई है जी। मैं नगमा, इससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, जाते जाते एक सवाल मैं पूछना है तो उसके बाद आप भी अगर कुछ पूछना चाहें। भूपेश जी, हमारे ट्विटर पे कुछ दर्शक जो हैं वो आपका एक इंटरव्यू देख करके, एक दर्शक है उनका नाम है अनुपम आनंद, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अनुपम जी कहते हैं कि भूपेश जी से पूछिए कि क्या केंद्र को सर्वदलीय बैठक करके सभी से चर्चा नहीं करनी चाहिए? मुख्यमंत्रियों से तो आप बात कर रहे हैं, बाकी दलों का क्या? जैसे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी धार्मिक नेताओं से चर्चा करना चाहिए, एक अच्छा अच्छी पहल है। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है कि सभी दलों के लोगों को से प्रधानमंत्री यदि बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार कोरोना से लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई है उसको लागू करने में काफी मदद मिलेगी। जहां सरकारें काम कर रही है वहीं यदि सामाजिक संगठन और साथ ही उसके बाद राजनीतिक दल के लोग यदि सक्रिय होंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ाई में सहयोग ही मिलेगा और बल मिलेगा। तो एक और शख्स हैं, मैं एक और आखिरी सवाल पूछ लूं भूपेश बघेल से पहले कि आप जाएं। ट्विटर पे अनुपम आनंद पूछ रहे हैं कि भूपेश जी से ये पूछिए कि क्या केंद्र को सर्वदलीय बैठक करके सभी से चर्चा करनी चाहिए। ऐसे काफी समन्वय दिखा है और तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र की तारीफ की है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों के काम की सराहना की है, क्या इस समय एक पूरा समन्वय नजर आ रहा है? देखिए, ये तो अभी समस्या है और समस्या में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलके लड़ें। यदि हम किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोरोना से लड़ने में सफल होते हैं और देश के दूसरे क्षेत्र में यदि असफल रहते हैं तो ये हम पूरी तरह से सफल नहीं होंगे। पूरे देश से कोरोना को भगाना पड़ेगा तभी हम सफल हो पाएंगे, इसलिए सभी की एकजुटता बहुत जरूरी है। भूपेश बघेल जी, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।